हरियाणा के चुनाव में इन दिनों भारी गहमा गहमी चल रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। पार्टी ने टीवी अभिनेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को हिसार जिला की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पूर्व सीएम भजनलाल के पुत्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों के मुकाबले में जीत किसकी होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि सोनाली फोगाट हरियाणा के युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है और यही वजह है कि सपना चौधरी का टिकट काटकर सोनाली फोगाट को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और इससे पहले यहाँ पर यह चर्चा थी कि सपना चौधरी को इस सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब सपना चौधरी की बजाय यहाँ पर सोनाली फोगाट को टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर टिकट दिया है। हरियाणा के भाजपा के मौजूदा राजनीतिक ग्लैमर के प्रति आकर्षण नेताओं में ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों में भी है। 3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। उनमें पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक को भी टिकट नहीं देकर इसके बदले भाजपा के गुरुग्राम से उन्होंने टिकट दिया है योगेश्वर दत्त को। योगेश्वर दत्त जाने माने पहलवान हैं और उनका काफ़ी आकर्षण है। महिला पहलवान बबीता फोगाट को भी भाजपा ने चरखीदारी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। बबीता फोगाट के बारे में कहा जाता है कि वे भी हरियाणा में बेहद लोकप्रिय हैं और दंगल गर्ल के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। दंगल फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दंगल की कहानी उन्हीं पर आधारित है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।